Finally, I got this. Box, Chaku, technical channel. Unboxing Obi. ओके तो इससे पहले स्टार्टिंग में वीडियो में आपने जो भी देखा वो सब एक मजाक था। बॉक्स फिलहाल सब कुछ बिल्कुल सही सलामत है और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, यानी कि ये जो पहला DSLR जो कि इस चैनल पे आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। मैंने ये परचेज़ किया है 26,700 रुपीज़ का ऑफलाइन मार्केट से। मैंने ऑनलाइन प्रेफर नहीं किया इसे बाई करना। और बाकी इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स तो हैं लेकिन एंट्री लेवल DSLR है, सबसे सस्ता DSLR अभी तक का ये DSLR आपको मार्केट में देखने को मिलता है। इससे सस्ता मतलब DSLR आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी बातें बाद में करेंगे और करते हैं जल्दी से अनबॉक्स। तो बॉक्स को खोलते ही आपको यहाँ पर ये यूज़र मैनुअल इतनी मोटी सी देखने को मिलती है। ये इतनी मोटी यूज़र मैनुअल जिसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। बाकी यहाँ पर ये एक वारंटी कार्ड है, 2 साल की वारंटी आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है। यहाँ पे 18-55 mm का किट लेंस यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था। और ये कुछ एडवर्टाइजमेंट है कैनन के ऑनलाइन चीज़ों की, जैसे कि कैनन की कैनन एज जो कि आप वायरलेस वाईफाई का प्रिंटर को कनेक्ट करके डायरेक्टली जो फोटोज़ प्रिंट कर सकते हैं, कैनन इमेज गेटवे जैसी वेबसाइट्स इसकी। और एक बढ़िया चीज़ जो कि इसके साथ आपको 16 GB का एक कार्ड देखने को मिलता है। इसे खोल के देखते हैं तो जो कार्ड है वो बनाया है सैनडिस्क ने और 16 GB का ये कार्ड है। 48 Mbps की इसकी स्पीड है, क्लास 10 का कार्ड है अगर आप देख सकते हैं। और SDHC यानी स्टैंडर्ड हाई कैपेसिटी कार्ड है और काफ़ी अच्छी देने वाला है मुझे परफॉर्मेंस कार्ड की। और अब देखते हैं बाकी बॉक्स में मेन हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर खोलने के बाद ये स्ट्रैप है इसका कैनन का जो कि आप अपने DSLR कैमरा में लगाएंगे। ये है USB केबल जो कि एक बेकार मिनी USB केबल है जिसमें कि एक फुल USB पोर्ट है और साथ ही साथ एक मिनी USB पोर्ट। और ये आपके काम आएगी आपको बाकी आपके कंटेंट जो है जिसे आप PC से कनेक्ट कर सकेंगे। और ये है हमारे पास केबल जो कि आप अपने चार्जिंग एडेप्टर में लगाएंगे जो कि इसमें मुझे दिख रहा है। ये केबल कोई ज़्यादा खास नहीं है, इसमें दिखाने वाला भी कुछ नहीं है। एक एंड आपको वही मिलता है इंडियन वाले बोर्ड में लगाने के लिए प्लग और ये आपके एडेप्टर में जाके लगता है सीधे। और यहाँ पर ये है बैटरी, बैटरी पे ये टाइप कवर है, ये कवर निकाल देते हैं। और ये जो बैटरी है अगर हम देखें तो ये सपोर्ट करती है 860 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है। और आगे ये हमारा चार्जिंग एडेप्टर है जो कि जिसमें हम बैटरी अपनी लगाकर जो है चार्ज करेंगे इसे। ये एडेप्टर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। ये जो बैटरी थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई उसे आप इस तरीके से ये जो यहाँ से जो पिन हैं इसे आप इसकी यहाँ की पिन से अटैच करिए और इस तरीके से आप इसे अटैच कर सकते हैं। बाकी इससे पहले जो आपको केबल देखने को मिली थी ये केबल वो भी यहाँ पर इसके साथ यहाँ इस तरीके से अटैच हो जाती है और ये डायरेक्ट बोर्ड में। और यहाँ पर ये कुछ 2 LED इंडिकेटिंग लाइट्स दी हुई हैं, अगर चार्ज हो रहा होता है तो यहाँ पर चार्जिंग की एक लाइट जलती है और यहाँ फुल होने के बाद ये लाइट ऑन हो जाती है। और बाकी हमारे पास ये बचता है लेंस और DSLR जिसकी हम फाइनल अनबॉक्सिंग करेंगे, बाकी चीज़ों को रखते हैं साइड में। तो ये है हमारे पास लेंस जो कि 18-55 mm का किट लेंस है जो कि आपको DSLR के साथ मिलेगा। और जो लेंस है वो पॉली बैग में से हम निकाल लेते हैं तो देखने में हमें ये लेंस कुछ इस तरीके का मिलता है। ये है जूम रिंग और ये फोकस रिंग ये। और यहाँ पर ये कुछ कवर्स हैं जैसे कि आप हटा के आपके प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, लेंस की प्रोटेक्शन के लिए इसे वापस लगा देते हैं। और पीछे भी एक कवर दे आपको देखने को मिलता है। और ये बढ़ते हैं हम अपने DSLR की तरफ जो कि मेन हमारी DSLR की बॉडी है वो आपको देखने को मिलती है। वो आपको यही बबल रैप्स में देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो DSLR है वो इस तरीके की एक अजीब सी कपड़े जैसी पन्नी में पैक करके दिया गया है और जो DSLR है वो कुछ इस तरीके दिखता है। और यहाँ पर सीधे सामने आपको ये जो सेंसर है मिरर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ भी आपको एक लिड दी हुई है जैसे लगाकर आप जो है अपने DSLR को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डस्ट वगैरह से। यहाँ पर एक पीछे बैग में स्क्रीन दी हुई है LED स्क्रीन
और बैटरी इंसर्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ ये डायल्स हैं जहाँ से कि आप मोड्स में स्विचेस कर स्विच कर सकते हैं, वीडियो मोड, ऑटो मोड, फूड मोड, स्पोर्ट मोड वगैरह बहुत सारे मोड्स होते हैं। ये ऊपर आपको एक हॉट शू माउंट देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये कुछ स्लॉट है जिसमें कि आप अपने स्ट्रैप को लगाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था अनबॉक्स करते वक्त। और यहाँ पर कुछ बटन्स हैं मैं, और नीचे यहाँ पर आपको क्वार्टर इंच का ट्राईपॉड माउंट देखने को मिलता है, जिसमें कि इसको यूज़ करके आप अपने ट्राईपॉड से इसे अटैच कर पाएंगे और अपनी वीडियोस को शूट करेंगे। तो अब चलते हैं बैटरी को देखते हैं हम अपनी। तो बैटरी ज़रा निकालता हूँ मैं, और बैटरी इनसे करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे एक लिड मिलती है, जिससे कि आप इस तरीके से खींचते हैं, खींचने के बाद बाहर को पुल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आराम से बाहर आ जाता है। और जो बैटरी है उसे आप इंसर्ट करेंगे, ये जो पिंस हैं उन्हें आप इस तरफ नीचे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसे बैटरी को इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। और हमें मेमोरी कार्ड को भी इंसर्ट करना है इसमें, तो मेमोरी कार्ड ये रहा हमारे पास। यहाँ पर मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करना है, ये कुछ मेमोरी कार्ड इस तरीके से आप इन पिंस को आपको नीचे रख की साइड रखना है, और इसे प्रेस करते जाना है जब तक एक अच्छी सी क्लिक की साउंड नहीं आ जाती। क्लिक की साउंड आने के बाद आप इस लिड को बंद कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लेंस को अटैच करने की। तो लेंस को अटैच करने के लिए ऑब्वियसली आपको ये लिड हटाना पड़ेगा, इसे हर साइड में रखते हैं, और इसकी इधर की लिड को, दोनों लिड को हटा दीजिए। और आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कुछ वाइट डॉट्स दिखाई देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर लेंस में देखने को मिलता है एक वाइट डॉट, और यहाँ पर कैमरा में एक वाइट डॉट आपको देखने को मिलता है। दोनों को यहाँ पर मैच कीजिए, साथ मैच करने के बाद इसे बस घुमाते रहिए, एक क्लिक साउंड आएगी, वैसे ही आपको इसे घुमाना बंद कर देना, आपका जो लेंस है वो इसमें फिक्स हो जाएगा। और इसे ऑन करते हैं, ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्विच मिलता है ऑन ऑफ की तरफ से, इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका DSLR है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर बाकी आपको इमेजेस और कुछ वीडियो सैंपल्स आपको मैं इस वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ, तो जो कि आप अब इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरे भाई लोग, ये बैग दिखाना तो रह गया जो मुझे अपने DSLR के साथ मिला था, जिसकी आपने अभी अनबॉक्सिंग देखी। तो इस बैग को भी ज़रा खोल लेते हैं ऐसे बिना नाइफ के। तो बैग ये रहा आपके सामने, ये एक हैंडल है जिससे कि आप इस बैग को कैरी करेंगे। सामने आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है EOS की, और बाकी फ्रंट में और बाहर कुछ नहीं है। ये पीछे एक पॉकेट दी हुई है जिसमें कि आप अपना सामान रख सकते हैं बैक साइड में, और फ्रंट में ये रखले खोल के इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर बैग कुछ इस तरीके का है। ये स्ट्रैप है जिससे कि आप अपने शोल्डर वगैरह पर लगाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फिनिश है, अंदर रेड कलर की एक अच्छी दी हुई है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, और काफ़ी अच्छी अंदर कुशनिंग भी है। तो शायद DSLR और मेरे जो लेंसेज हैं मैं जो रखूँगा फ्यूचर में, वो शायद अच्छे रखेंगे, काफ़ी सेफ रहेंगे। अंदर ये कुछ एक पेपर है जिसके बारे में लिखा हुआ प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग द DSLR या SLR बैग, जिसे कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि सब कुछ आता है हम लोगों को। और यहाँ पर देखिए बैग अंदर जो है सिर्फ एक इतना बड़ा एक कंपार्टमेंट है, ये एक अलग से पता नहीं क्यों ये पैड दिया हुआ है इसमें, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ऐसे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से चिपक जाता है, शायद ये लेंस वगैरह के फ्रंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगता है। और आगे एक चेन दी हुई है जिसमें कि आप अपना सामान रख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके के कंपार्टमेंट है। यहाँ पर इसमें कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स भी हैं जिसमें कि आप अपनी केबल्स, चार्जरिंग अडेप्टर और एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह का आप रख सकते हैं, और बस इतनी कैपेसिटी है इसकी। काफ़ी क्वालिटी में भाई इसमें बात करूँ तो हाथ में आते ही काफ़ी अच्छा फील आता है इसका, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो बस बैग भी यही था, और आपने इमेजेस वगैरह तो देख ही ली। और भाई लोग रही बात वीडियो सैंपल की, तो ये जो वीडियो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरी फेस कैम की, वो वीडियो अभी इसी कैनन के 1300D से ही रिकॉर्ड की जा रही है, तो आप इससे अंदर लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो वो शूट की जा रही है 1080p 30fps पे, जो कि इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन और FPS की सेटिंग्स इसमें है, और 720p 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं।
और 1080p पे आपको 25 FPS का भी ऑप्शन मिलता है। और बाकी बस ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स में कुछ इतना ही है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है और बहुत अच्छी, मुझे जो है इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ऑब्वियसली। और फोटोज़ क्लिक करने की बात हुई तो वो तो आपने फिलहाल देख ही ली, फोटो आपको पता चली होगा किस तरीके की फोटोज ये क्लिक करता है। और डेफिनेटली ये जो सारी फोटोज जो आपने देखी थी वो थी 18-55 mm की इसकी किट लेंस के साथ, जो किसके साथ आता है। आप चाहे तो मार्केट से और भी बाकी कोई भी लेंस इसके लिए खरीद सकते हैं कैनन का। और बात की जाए एंट्री लेवल DSLR की, तो ये DSLR सबसे सस्ता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, शायद बताया हो आपको, तो मैं बता देता हूँ, नहीं बताया हो तो ये जो एंट्री लेवल DSLR सबसे सस्ता DSLR अभी तक का यही है, और मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको ये परफेक्टली मैच करता है। हालांकि कुछ इसमें खामियां हैं, जैसे कि इसमें जो है आप अपना माइक नहीं ला सकते, तो माइक की जगह मैं जो है डायरेक्टली अपने लैपटॉप से ही जो है इस साउंड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी, जो डायरेक्ट इस लैपटॉप के जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी लैपटॉप से जो है मैं करता हूँ रिकॉर्ड अपनी जो भी सारी वॉइसेस होती हैं, शायद आप देख रहे हो थोड़ा बहुत। और बाकी तो बस यही है। और पहले जो था मेरा कुछ प्लान था B700 निकॉन का कूल पिक्स B700 खरीदने का, जिसमें कि आपको 65x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा जूम है। और लेकिन जूम से मुझे कुछ करना नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो सेंसर साइज था, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी क्वालिटी में, वो सेंसर साइज आपको खाली आधा इंच का सेंसर मिलता है, जो कि आपको आजकल जो है अप्रॉक्स इससे थोड़ा ही छोटा आपको मोबाइल फोन्स में आपको सेंसर देखने को मिलता है इमेज का। लेकिन ये जो कैनन का 3100D है, इसमें आपको इमेज सेंसर अप्रॉक्स 1 इंच का एक सेंसर आपको देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि निकॉन को B700 में जो है ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। हालांकि उसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग थी 30 FPS पे, 4K कौन देखेगा, लेकिन मैं 1080p में ही बहुत अच्छा हूँ। और आगे फ्यूचर में बेशक चैनल को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अपग्रेड करेंगे अपने सारे इक्विपमेंट्स को, तो आपको 4K में भी देखने को मिलेगी वीडियो। बाकी B700 और क्या उसमें कुछ नहीं, बाकी इसमें B700 को खरीदने का आइडिया इसलिए ड्रॉप करना पड़ेगा कि उसमें जो है आपको फोकस करने का लफड़ा था, क्योंकि उसमें फोकस रिंग आपको नहीं मिलती, तो आप मैनुअल फोकस उसमें नहीं कर सकते, आप उसके ऑटो फोकस पे निर्भर रहेंगे। आप एक बार उसके ऑटो फोकस को सेट कर दीजिए, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करिए, लेकिन उसके बाद जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त आप जो है उसके फोकस को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, मैं जब चाहूँ तब इसके फोकस को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको DSLR में ऑटो फोकस देखने को नहीं मिलता है, जो कि 80D वगैरह में आपको देखने को मिलता है फोकस का। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। और ओवरऑल मैं, अगर आप एक एंट्री लेवल DSLR हैं और मेरी तरह एक ऐसे लोग हैं जो कि पहले कभी जिन्होंने DSLR यूज़ नहीं किया, तो उनके लिए डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा है। और बस आज की वीडियो बस इतना ही, आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा देख के मेरे चैनल के इस DSLR को, हमारे चैनल के इस DSLR को, जो कि आज के बाद आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने वाला है ये चैनल। तो डेफिनेटली इस चैनल को आप नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन, जैसे दबाने से होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।